नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली एयरपोर्ट पर अवैध कारतूस के साथ मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर को किया गया गिरफ्तार। राज्य में विभिन्न पंचायतों के रिक्त पड़े 1938 पदों के लिए 10 मार्च को होगा उपचुनाव। राज्य सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर एसोसिएशन से पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम वापस लिया। और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में हुई वृद्धि, 26 फरवरी तक और बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर को अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वे दिल्ली से पटना आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक उनके हैंड बैगेज में सुरक्षा जांच के दौरान 10 कारतूस पाए गए थे। उनके पास कारतूस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था। विधायक के खिलाफ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थाना पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी के रिक्त 1938 पदों के लिए 10 मार्च को उपचुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के 653, पंच के 1157, पंचायत समिति के 61, मुखिया के 18, सरपंच के 46 और जिला परिषद सदस्य के 3 पद खाली हैं। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉक पॉल के लिए मतदान के 1 घंटे पहले तैयारी कर लेनी होगी। उन्होंने विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग बनाए रखने पर बल दिया। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित राज्य की 7 सड़कों के पुनर्निर्माण पर 6,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने पटना में कहा कि 350 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण से 10 जिलों को लाभ मिलेगा। श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पथ निर्माण विभाग की 7 सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में अधिसूचित कर दिया है। राज्य में अब किसी भी जल स्रोतों से डूबने से होने वाली मौत पर अनुग्रह अनुदान सरकार देगी। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रावधान में संशोधन कर दिया है। अब किसी गड्ढे में डूबने से भी मौत होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर एसोसिएशन से पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम वापस ले लिया है। कला संस्कृति और युवा विभाग ने खिलाड़ियों के चयन में धांधली के आरोप के बाद ये निर्णय लिया है। साथ ही विभाग ने बीसीसीआई से भी बीसीए पर लगे आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने राज्य खेल प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि बीसीए को दैनिक भाड़े के आधार पर स्टेडियम के खेल मैदान का आरक्षण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। उन्होंने प्राधिकरण को स्टेडियम का संचालन और आरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा है। राज्य सरकार ने 6वें राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी नवीन कुमार को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि नवीन चंद्र झा और प्रभात प्रसाद घोष को सदस्य मनोनीत किया गया है। वित्त विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय समिति की स्थिति की समीक्षा करेगा और अनुशंसा राज्य सरकार को देगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य भर में तापमान में वृद्धि हो रही है। कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आज पटना का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि 26 फरवरी तक तापमान में और वृद्धि होगी। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर 27 फरवरी तक बिहार में पड़ सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन 11 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। इसके साथ ही 4 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधर सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी कल से शुरू हो गई है।
दानापुर रेल मंडल प्रशासन ने पटना आरा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के साथ ही इसके लिए 70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। प्रशासन ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। उधर मध्य पूर्व रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि फतुहा इस्लामपुर और दनियावा इस्लामपुर रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इन दोनों रेलखंडों पर मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। पटना जिले के दनियावा थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ऑटो पर 12 यात्री सवार थे। इसके अलावा पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, नवादा और सारण जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले से पुलिस ने 700 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्मी थाना क्षेत्र के चंद्रघटी गांव के निकट राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 77 पर पुलिस ने कंटेनर पर लदी 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। वहीं वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव के निकट से पुलिस ने ट्रक पर लदी 300 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने पुलवामा हमले को लेकर विभिन्न पार्टियों के बीच जारी बयानबाजी से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, श्रद्धांजलि के बाद सियासत का दौर। इसी खबर के साथ अखबार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने हिस्से के पानी पाकिस्तान को नहीं। दैनिक जागरण ने नितिन गडकरी के बयान को ही अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है और कई अन्य आंकड़ों के साथ प्रकाशित किए हुए लिखा है, पानी को तरसेगा पाकिस्तान। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, अब अर्धसैनिक बल भी विमान से कश्मीर आएंगे जाएंगे। दैनिक भास्कर ने पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और इग्नू के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार के उस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञान विश्वविद्यालय में खुलेगा एस्ट्रोलॉजी और फिलोसफी सेंटर। प्रभात खबर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आतंक रोकने को धारा 370 हटाना जरूरी नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि जनरल रावत ने तेजस से भरी उड़ान। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, SSC से बिहार में ट्रेंड कुत्ते पकड़ेंगे शराब, दनियावा में ऑटो ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी, मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 11 परीक्षार्थी निष्कासित और मोइनुलहक स्टेडियम से BCA बेदखल आदि खबरों को प्रमुखता मिली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अवैध कारतूस के साथ मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर को किया गया गिरफ्तार। राज्य में विभिन्न पंचायतों के रिक्त पड़े 1938 पदों के लिए 10 मार्च को होगा उपचुनाव। राज्य सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर एसोसिएशन से पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम वापस लिया। और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में हुई वृद्धि, 26 फरवरी तक और बढ़ेगा तापमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।